क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आपको नाकामयाबी आई हो, कुछ तो भी अपने मन के विपरीत हुआ है, आपको रिजल्ट नहीं आए, जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और फिर आपने और किसी को दोष दिया? होता ही है ना ऐसा, जब हमें सफलता नहीं मिलती है, जब मेरी अपेक्षाएं पूरी होती नहीं है, जब मेरे मन जैसा होता नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसका कारण ढूंढता हूँ, और कारण ढूंढते ढूंढते फिर कोई तो बलि का बकरा बनाना पड़ता है कि उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, परिस्थिति खराब थी, एग्जाम के पेपर ठीक नहीं थे, इन्विजिलेटर ठीक नहीं था, वातावरण ठीक नहीं था, लोग ठीक नहीं थे, लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हम ब्लेम करते हैं लोगों को, और ब्लेम करते हैं और ब्लेम करते करते चुप रह जाते हैं। अच्छा हो गया तो, हाँ अच्छा हो गया तो बिल्कुल क्लेम करेंगे, सब अच्छा हो गया तो मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया, मैं कारणीभूत हूँ, मैंने किया करके हुआ, ऐसा हम क्लेम करते हैं। और अच्छा नहीं हुआ तो फिर अपने को बलि का बकरा किसको तो बनाना पड़ता है, और फिर हम वो ब्लेम गेम करेंगे। अब ये ब्लेम कैसा, जब हम ब्लेम करते हैं और किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, इसका मतलब जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार है। इसका मतलब जो भी अभी कुछ बदल लाने का है, जो भी कुछ चेंज करने का है, जो भी कुछ करना होगा, वो किसने करना है, उसने करना है, गलती उसकी है, बदलना उसको है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो फिर वहाँ हम कुछ भी बदल नहीं ला सकते, वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे जिंदगी की, हमारी लाइफ की बागडोर यदि मेरे हाथ में लेने की है, यदि मुझे मेरे मन जैसा मेरी लाइफ चलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, या जो भी कुछ हो रहा है वो मैंने एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ जीकर करना चाहिए, या मैंने उस तरह की लाइफ जीना जैसा मुझे लगता है, तो मैंने हर बात में यहाँ खड़े रहना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं कारणीभूत हूँ, मैं कारण हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, मेरी वजह से हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो, नो ब्लेम नो रीजन्स। तो देखिए फिर आप कहाँ कहाँ ऐसा रीजन दे रहे हैं, जो भी अपने मन के खिलाफ हो गया, जो भी अपने मन जैसा नहीं हुआ है, कहीं भी आपने किसी को भी दोष दिया होगा, वहाँ देखो वहां ब्लेम चल रहा है, और फिर वहां आपको देखना पड़ेगा, वहां आप किसी को तो भी पकड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये क्लेम और ब्लेम का गेम छोड़ना पड़ेगा। जो भी है वो मेरी वजह से हुआ है, जो भी है उसके लिए कारणीभूत मैं हूं, मैं उसका जिम्मेवार हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, लाइक मैं कॉज इन द मैटर हूं। यहाँ खड़े रहना है कि जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कॉज इन द मैटर हूँ, वो मेरे वजह से हुआ है, वो मेरे कारण हुआ है, और मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। यहाँ आप खड़े रहते तो आप जैसा बोलेंगे वैसी लाइफ चलेगी। हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये समझो ऐसा बोलेंगे नहीं ये मेरी वजह से हुआ, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये अपने लिए बोलने की बात है, खुद के लिए। रोड पे जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, गलती अपनी नहीं भी है, और हमने बोला नहीं मेरी वजह से हुआ, तो पुलिस आपको पकड़ेगी या सामने वाला आपको मारेगा। हम तो उस समय बोलेंगे नहीं मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ है। तो प्रैक्टिकल एक्चुअली जो है वो अलग है, हमको देखने की बात यह है बाद में कि एक्सीडेंट जो हुआ वो कारणीभूत मैं हूँ। यहाँ खड़े रह के फिर उसके तरफ देखना होगा, और फिर वहाँ से एक्शन लेनी पड़ेगी ताकि आपको अगली बार एक्सीडेंट ना हो जाए, मगर आपको वैसा अदरवाइज मेरी वजह से हुआ ऐसा पब्लिक में बोलने लायक बात नहीं है, मतलब पब्लिक में ऐसा एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उल्टा गेम हो जाएगा। ये भी आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।